अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अध्यात्म विज्ञान के ऊपर, जगत के सनातन सत्य के ऊपर, कुदरती कानून के ऊपर जो कुछ बात यहां बताई गई है और आप सबको ये सब बातें धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है, और मैं समझता हूं कि ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो भी बात आप सुनोगे, समझोगे, उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, ये सब बातें कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। और ये विश्व के अंदर जो भी महान पुरुष हो गए हैं, जिसको हम समर्थ पुरुष के रूप में पहचानते हैं, भगवान के रूप में पहचानते हैं, वो सभी महान पुरुष महान तब बने जब इन्होंने दुनिया का सनातन सत्य को समझ लिया। फिर किसी के प्रति राग द्वेष करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर कोई भी प्रकार की भीख और भय नहीं रहेगा, फिर मेरा तेरा नहीं रहेगा। जब सनातन सत्य को समझ लिया तो कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, और इसलिए जो सदियों से चला आया है, ये कोई विज्ञान या अध्यात्म विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है, वो तो सदियों से चला आया है। और समय समय पे ऐसे अनुभवी महान पुरुषों जनता के सामने यही सनातन सत्य का, यही कुदरत के कानून का, यही लॉ ऑफ नेचर का अपने अनुभव से लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी राग द्वेष और अज्ञानता से मुक्त होके, कर्मों के बंधन से मुक्त होके, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके अपना स्वाभाविक और शाश्वत सुख का अनुभव कर सके, यही भावना होती है। यहां न गुरु है, न शिष्य है, न संप्रदाय है, न पंथ है, आप समझे। और जितने भी महान पुरुष हो गए, उन्होंने कभी न कोई धर्म और संप्रदाय या संस्था की स्थापना किया है, क्योंकि उन्होंने जो बात कहा था वो सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए था, और इसीलिए उन्होंने कोई सांप्रदायिक बात कही ही नहीं थी। मगर उनके जाने के बाद उनकी परंपरा में जो लोग धर्म की परंपरा में आए, वो लोगों ने, वो धर्मगुरुओं ने वो महान पुरुष की बात एक धार्मिक और सांप्रदायिक सत्य के एंगल से पेश कर दिया, और बाद में जो सनातन सत्य बात थी वो अपने आप सांप्रदायिक सत्य बन गए। और इसीलिए दुनिया के कई लोग इसको समझना चाहते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ही आपने सांप्रदायिक मोड बना दिया। क्या बना दिया? तो फिर लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो उनके संप्रदाय की बात है, ये हमारी बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो परंपरा का विज्ञान है, शाश्वत विज्ञान है, वही विज्ञान को मैं रीओपन कर रहा हूं। ये कोई नया विज्ञान या मेरा खुद का विज्ञान नहीं है।
तो मैं समझता हूं ये विज्ञान सुन के समझ के उपयोग करके अनुभव करके आप भी यही महान पुरुष की जो ऊंचाई थी अनुभव की, वो ऊंचाई पे आप भी पहुंचे और आपके ही माध्यम से, आपके ही अनुभव से दूसरों को ये बांटे, ताकि वो भी यही दुनिया की सनातन सत्य को वो समझ सके, अनुभव कर सके और अपने अंदर अज्ञानता मिटा के, राग द्वेष खत्म करके, कर्म के बंधन को खत्म करके अपना स्वाभाविक और शाश्वत सुख का वो भी अनुभव कर सके। बस यही मंगल कामना से हम अपना जीवन जी रहे हैं। और धीरे धीरे लोग कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का मार्ग धीरे मगर मक्कमता से होता है तो वो लंबे समय तक, मगर कोई व्यक्ति चमत्कार से लाखों लोगों को इकट्ठा करेगा तो हो सकता है, मगर वो लंबा समय, क्योंकि वो तो आकर्षण हो गया, क्या हो गया, वो लंबा नहीं चलेगा। मगर जो धीरे और मक्कम गति से आगे बढ़ते हैं और दुनिया को सनातन सत्य, शाश्वत सत्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने वाले विचारक लोग, थिंकर लोग धीरे धीरे यही विज्ञान के सिद्धांतों को ग्रहण करके समझने की कोशिश करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं, और जब इसको अनुभव हो जाता है तो अपने आप वो आनंदित हो जाते हैं। इसको और किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति को जब अनुभव हो जाता है तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको अनुभव उनके ज्ञान दर्शन से हुआ है, किसी के सर्टिफिकेट से नहीं हुआ है। तो कोई सर्टिफिकेट दे या ना दे, इनको कोई वैल्यू नहीं होती है। मगर जो व्यक्ति किसी के देने के बाद वो बात करेंगे तो वो उनका खुद का अनुभव, तो इसीलिए कोई कहेगा कि अच्छा है तो उनको अच्छा लगेगा, कोई कहता है बराबर नहीं तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उनका जीवन दूसरे के सर्टिफिकेट के ऊपर आधारित है, खुद के अनुभव के ऊपर आधारित। रामकृष्ण माही को आप कहोगे आप अज्ञानी हो तो इसको क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा, उनको आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझना है तो समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो नहीं समझो, इसमें इनको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यही अनुभवी पुरुषों की विशेषता होती है। और इसीलिए जब खुद के अनुभव की बात करें कि इतना पावर भी ऐसा होता है, पावर समझते हैं, इनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कहीं समय तक, कहीं दिनों तक उनकी आवाज, उनकी बातें, उनके शब्द हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, क्या होता है, घूमते रहते हैं, यही पावर है। इसको कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान का पावर ही ऐसा है। जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, वो खुद ही स्वयं बोलते हैं। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते हैं लोगों का क्या क्या ख्याल होता है, अनुभव होने के बाद वो खुद लिखते हैं कि मेरे को स्वामी जी ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ। हम तो किसी को कहते नहीं, हम तो सिर्फ विज्ञान बताते हैं, मगर वो स्वयं अपना अनुभव बताते हैं, आप समझे। तो ये हम भी ये चाहते हैं कि आप सब भी इसी प्रकार के अनुभव के मार्ग में बहुत आगे बढ़े और आपके ही माध्यम से और लोग भी ये विज्ञान जाने और अनुभव के मार्ग में आगे बढ़े। और यही मेरी ख्वाहिश है स्वामी जी, ये जो प्रेयर आप कराते हैं ना, निज स्वभाव से सदगुरु, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये निज स्वभाव से सदगुरु का मतलब होता है, ये मेरा जो निज स्वरूप है वो ही मेरा गुरु है। सदगुरु क्या है, मतलब अंतिम गुरु वही है, उनकी हाजिरी के बिना
उनके प्रकाश के बिना मैं कुछ भी करने के लिए शक्तिमान नहीं। तो नीच स्वभाव से सदगुरु, सदगुरु कहाँ है? अपने अंदर जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है, वो ही सदगुरु है। नीच स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। वो कैसा है? अगुरु लघु, वो गुरु भी नहीं है, लघु भी नहीं है, अगुरु लघु सर्वज्ञ है। कैसा है? वो गुरु भी नहीं है, लघु भी नहीं है, और इसीलिए सर्वज्ञ है। गुरु लघु दोनों मान्यता है। मैं छोटा हूं वो भी अज्ञान है, मैं बड़ा हूं वो भी, दोनों अज्ञान है। मैं खुद ही शाश्वत हूं, मैं ही चैतन्य गण हूं, और मेरे पास हर प्रकार की शाश्वत शक्तियां है। बस फिर मेरे को मैं ऊंचा हूं नीचा हूं वो दिखाने के बताने की जरूरत नहीं है। तो नीच स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय बंदे। जो सूक्ष्मतम स्वरूप है आत्मा का, स्वरूप कहता है सूक्ष्माति सूक्ष्म है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु यानी वही मेरा आत्मस्वरूप एक दिन सिद्ध क्षेत्र का शाश्वत स्वरूप बन के परम गुरु, परम समझते हैं जो लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाला बनेगा, स्वयं प्रेरणा। वो खुद प्रेरणा देते नहीं है, मगर वो एग्जाम्पल समझते हैं कि हमको सिद्ध क्षेत्र में जाना है। तो सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु, फिर आगे आता है इसके अंदर कि ये अलग अलग प्रकार की भावना है। क्या है? तो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को नमस्कार करके हम ये प्रार्थना करते हैं कि भी ये विश्व का कल्याण होने में हम निमित्त बने। क्या बने? 33 कोटि देवी देवता आप यहाँ आइए और पधारिए और जगत कल्याण के कार्य में उत्तम निमित्त बनिए, हम निमित्त बने, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप समझे ना, 33 कोटि देवी देवता। तो जगत कल्याण के यज्ञ में तो मंगलमय दो आशीषम, हमको मंगलमय आशीष दो जगत कल्याण के यज्ञ में। तो सही हमारी भावना है। क्या है? फिर उसके आगे आता है कि भी जो मेरी गलती हो गई है उसके लिए मेरे को माफी दो। क्या दियो? मेरा मूल स्वरूप तो सिद्ध स्वरूप है, मगर जो प्राकृतिक स्वरूप है इसमें गलती हो सकती है, तो जो जो गलतियां हो गई है उसके लिए मैं क्षमा करूं, मेरे को क्षमा करो। और व्यवहार में सदबुद्धि हो, व्यवहार के अंदर सदबुद्धि, मतलब कुबुद्धि ना हो, किसी के पास से पढ़ा लूं बुद्धि से मैं किसी को चीटिंग करूं, अपनी ज्यादा बुद्धि से कम बुद्धि वाले को उल्लू बना दूं, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसीलिए कहा कि अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार हम कैसे भी करके आत्म कल्याण के मार्ग के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये इतना पवित्र भजन, भावनात्मक भजन कविराज के मुखारविंद से और उनकी कलम से निकला हुआ है। तो ये पूरे भजन के अंदर कोई भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, गुरु या भगवान का नाम नहीं है, और इसीलिए मेरे को पसंद है। मैं कहीं भी जाके इसको बोल सकता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये कविराज के मुखारविंद से निकला हुआ है, लिखा हुआ है, और मैं ज्यादातर मैक्सिमम सत्संग में इसको बोलने की कोशिश करता हूँ। लोगों को भी भावना को व्यक्त करने का अधिकार मिला, मौका मिला। तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर ये भावना हमारे जीवन में चलती रहे, बनती रहे, और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, और
जगत कल्याण के यज्ञ में हम भी हमारा जीवन तन मन धन का जो भी योगदान दे सकते हैं वो दे, बस यही भावना है। क्या है? यही भावना है। कुदरत कहती है कि आपके जीवन में आपने जो कुछ भी पाया है, तन पाया है, धन पाया है, संबंध सत्ता सप्तमी जो पाया है, वो सब कुछ एक दिन तो छोड़ना है, वो सबके लिए कंपलसरी है। क्या है? तो क्यों ना हम अपनी भावनाओं के मुताबिक इसका उपयोग करने का प्रयास क्यों न करें? आप समझे, बस यही बात इसके अंदर बताई गई है। और कोई प्रश्न करना है स्वामी जी? एक कर्ता होना, कारवाने वाला होना और भोक्ता होना। कर्ता कौन है, करने वाला कौन है और भोगने वाला कौन है? करने वाला है वो प्रतिष्ठित आत्मा है जो प्रतिष्ठा करता रहता है, कर्मों की प्रतिष्ठा, और भुगतान करने वाले ये मन वचन का आया है। क्या बताया? करने वाला अंदर है और भुगतान करने वाले बाहर है। जो करने वाला है वो दिखता नहीं है, वो जो दिखता है वो करने वाला नहीं है, वो भुगतान करता है। क्या करता है? आप समझे। और इसीलिए माया जाल को जब नहीं समझ में आता है तो आदमी एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। क्या करते हैं? कुदरत कहते किसी का मन वचन काया इस अवतार में जो कुछ भी कर्मों की भुगतान करते हैं, इनके लिए इनके मन वचन काया आज जिम्मेदार नहीं है। क्या बताया? क्योंकि वो तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो साधन की तो जिम्मेदारी नहीं होती है। मगर साधन जो है वो क्यों बना? तो वो कारण स्वरूप जब था तब वो जिम्मेदार था। आप समझे कि नहीं? तो जो भाव किया था प्रतिष्ठित आत्मा ने पिछले अवतार को, अंदर जो कोई बाहर देख सकते हैं, वो कारण जवाबदार है। तो प्रतिष्ठित आत्मा सर्जन करना है। क्या है? कर्मों का सर्जन करता है, और ये मन वचन काया है वो कर्मों की भुगतान का साधन है। दोनों क्या है? अलग है। कर्म बांधने वाला दिखता नहीं है, मगर कर्मों की भुगतान करने वाला दिखता है। तो दिखता है वो बांधता नहीं है, और बांधता है वो दिखता नहीं है, और इसीलिए गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? आम लोगों को समझने में तकलीफ हो गई, दिक्कत हो गई। समझ में आया? पूज्य स्वामी जी, प्रश्न नंबर एक। सगुण साकार और निर्गुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार में भेद या अंतर क्या है? सगुण साकार, सगुण वो साकार और निर्गुण निराकार में भेद या अंतर क्या है? सगुण साकार ये इसको कहते हैं। क्या बताया? सगुण और साकार, स आकार, समझ में आया? और सगुण साकार ये शरीर है, इसीलिए हम महान पुरुषों की जो क्वालिटी है इसको नमन करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी हमको दिखती है। सगुण है और साकार यानी दिखने में आता है। क्या बताया? वो सगुण साकार है, और जो आत्मा है निर्गुण निराकार है, निर्गुण भी है और निराकार है। तो मतलब क्या आत्मा में कोई गुण नहीं है? नहीं, प्रकृति का गुण आत्मा में नहीं है। तो प्रकृति के गुण से आत्मा निर्गुण है और निराकार है, और आत्मा के स्वाभाविक गुण से वो कैसा है? शाश्वत है और निराकार है। मगर उनके गुण जो है वो दिखते नहीं है। समझ में आया कि नहीं?